हेलो दोस्तों, मैथ्स से डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मीटर निकालने की डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज पढ़ी थी। आज कुछ और सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी की सहायता से मध्यिका निकाले। हमें गिवन सीरीज है, फर्स्ट है आपका वर्गांतर दे रखा हमें। वर्गांतर है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 एंड 41 से 50 के बीच में हमें वर्गांतर गिवन है। और आवृत्ति दे रखी हमें, आवृत्ति है 3, 5, 8, 6 एंड 3 हमें ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं। तो इसकी सहायता से हमें मध्यिका निकालनी है। हमारे गिवन सीरीज समावेशी सीरीज है, इसे हम पहले अपवर्जी सीरीज में चेंज करेंगे। समावेशी सीरीज मीन्स इंक्लूसिव सीरीज एंड अपवर्जी सीरीज आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। पहले हम देख लेते हैं कि समावेशी और अपवर्जी सीरीज किसे कहते हैं। अपवर्जी सीरीज देख लेते हैं। अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी अपवर्जी सीरीज किसे कहते हैं। इसमें आपका वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा क्या होती है, समान होती है। एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है, नेक्स्ट वर्ग की भी निचली सीमा क्या होती है, दोनों समान होते हैं, इसलिए इसे अपवर्जी कहते हैं। इसमें आपका अंतिम पद को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 से 15 आपके वर्ग का समूह दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर 15 को इस वर्ग में हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हम लास्ट वाले पद को अगर उस सीरीज में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। उसको हम हटा देंगे, उसको उस सीरीज में नहीं इंक्लूड करेंगे तो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। इट मीन्स उसका एक वर्ग की ऊपरी सीमा ही लेंगे, उसकी निचली सीमा को उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। ऐसी समावेशी सीरीज भी देख लेते हैं। समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज, इस सीरीज में हमारा दोनों सीमाओं के वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। दोनों सीमाओं के वर्ग को उसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 11 से 20 के बीच में हमें वर्ग दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, 11 को भी उसमें इंक्लूड करेंगे, 20 को भी इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, समावेशी सीरीज हो जाएगी। दोनों वर्ग को अगर हम सम्मिलित करेंगे, इंक्लूड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, समावेशी। इंक्लूड करेंगे तो आपकी इंक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। अगर एक्सक्लूड करेंगे, नेक्स्ट वाले को हम एक्सक्लूड करके ओनली आपकी लोअर वाली को ही इंक्लूड करेंगे तो आपकी अपवर्जी हो जाएगी। अगर दोनों को हम अगर इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी इंक्लूसिव या समावेशी सीरीज हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर पहले वाले वर्ग का निचली लास्ट वाली सीमा और सेकेंड वाले की पहली सीमा अगर बराबर होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, अपवर्जी सीरीज हो जाएगी। लेकिन है नहीं, इसमें क्या है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, तो ये आपकी क्या हो गई, अपवर्जी सीरीज होगी। अपवर्जी सीरीज में 1 से 10 के बीच में देखिए, फिर यहाँ से 11 से 20 के बीच में, तो ये आपकी क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है। क्या आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। इसमें आपका 10 भी इंक्लूड हो रहा है, नेक्स्ट वाले में आपका एक है 10, यहाँ से 11 से स्टार्ट है, तो आपकी ये क्या होगी, अपवर्जी सीरीज होगी। इसमें आपने एक्सक्लूड कर दिया तो आपकी गिवन सीरीज हमारी क्या है, समावेशी सीरीज है। क्योंकि यहाँ से देखिए, 1 से 10 के बीच में आपका इसी में आ रहा है, फिर यहाँ से 11 से 20 के बीच में, तो ये फर्स्ट और 10 दोनों वर्ग इसमें क्या है, इसी में ही इंक्लूड हैं, तो इसका मतलब ये आपकी समावेशी सीरीज है। 1 से 10 के बीच में, फिर 11 से 20 जब पूरे समय इंक्लूड है, फिर 11 से 20, 21 से 30 के बीच में सारे इसी में इंक्लूड हैं, तो हमारी ये इंक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। इसे हम अब एक्सक्लूसिव सीरीज मीन्स अपवर्जी सीरीज में हम इसे पहले चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम मीडियन निकालेंगे। पहले इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लेते हैं और टेबल बना लेते हैं।
टेबल में पहला वर्गांतर आ गया, दूसरा आपकी आवृत्ति हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो वर्गांतर को हमें क्या करना है, अपोजिट श्रेणी में चेंज करना है। तो 0.5 से 10.5 तक फास्ट चलेंगे, फिर 10.5 से 20.5 आपकी क्या एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट क्या आपका सेम आ रहा है, जो ये 10.5 इसी में इंक्लूड नहीं है, नेक्स्ट वन में भी आ जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगी अपोजिट सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 20.5 से 30.5 से 40.5 से 50.5 आवृत्ति लिख लेते हैं, 3, 5, 8, 6, 3 संचय आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आपका 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 3.5, 3 + 5, 8 8 + 8, 16, 16 + 6, 22, 22 + 3, 25 तो हमने टेबल बना दिए, आवृत्ति लिख ली और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी हमने निकाल ली। अब एन की वैल्यू निकाल देते हैं, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एन इक्वल टू सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 25। तो हमें यहाँ से एन की वैल्यू मिल गई। गिवन सीरीज हमारी कॉन्टीन्यूअस सीरीज है, तो यहाँ से हम पद का आकार निकाल लेते हैं, एम इक्वल टू साइज ऑफ एन अपॉन टू आइटम का पद का आकार निकाल लेते हैं, इक्वल टू साइज ऑफ एन की जगह वैल्यू रखते हैं 25 अपॉन टू, ये पद का आकार हमें जो मिलेगा इक्वल टू साइज ऑफ 12.5 पद का आकार हमारा ए मिल गया। तो यहाँ से मध्यिका कहाँ पर आएगी आपकी, 12.5 कहाँ पर आ रहा हमारा, 12.5 हमारा 60 में आएगा, 16 में आपका 12.5 आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहाँ पर आएगी, 8 के बाद सारे टर्म्स किस में आएंगे, नहीं तो होंगे आपके 16 में, तो 12.5 आपका 16 में आएगा। तो ये कौन सा वर्गांतर मिला है आपको 20.5 से 30.5 के बीच में हमारा ये वर्गांतर हमें ये मिल रहा है, और फ्रीक्वेंसी आपकी एफ क्या हो जाएगी, 8 आपका एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका जो जिसमें आपका निहित है 12.5 आपका पद का आकार किसमें निहित है 16 में, तो उसके सामने का वर्गांतर क्या आपका 20.5 से 30.5 के बीच में, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी उस साइज के ऊपर वाला पूर्व पद आपका ये क्या हो जाएगा सी आपका 8 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन इक्वल टू एल वन प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, जहाँ पे आपका एल वन क्या है लोअर लिमिट है, यहाँ पर लोअर लिमिट आपका क्या है वैल्यूज रख लेते हैं, लोअर लिमिट आपका जो आपका वर्गांतर मिला है उसमें लोअर लिमिट आपकी 20.5 हो जाएगी, एल वन आपकी लोअर लिमिट है आपका 20.5 और सी आपका 8 हो जाएगा, जो आपका वर्गांतर में है उसके पूर्व पद का आपका जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी सी हो जाएगी, और वर्गांतर आई की वैल्यू हमें वर्गमांतर कितना आपका 10 है, और फ्रिक्वेंसी आपकी एफ क्या आ जाएगी, वर्गांतर के सामने आपको जो फ्रिक्वेंसी है वो वैल्यू आपकी एफ हो जाएगी, वर्गांतर के सामने कौन सी फ्रिक्वेंसी है 8 है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, और एन अपॉन टू की वैल्यू हमें मिली है 12.5। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन में इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एम इक्वल टू 20.5 प्लस 12.5 माइनस सी 8 अपॉन 8 इंटू आई आपको 10 है, इक्वल टू 20.5 प्लस 4.5 इंटू 10 अपॉन 8 इक्वल टू 20.50 प्लस 5.62 इक्वल टू 26.12 आपका मीडियन मिल गया हमें, एम इक्वल टू 26.12 आपका मीडियन मिल गया। तो हमें गिवन सीरीज हमारी कंटिन्यूअस तो थी, उसमें वो सीरीज हमारी समावेशी सीरीज थी, हमने पहले उसे अपोजिट सीरीज में चेंज करके उसके बाद हमने मीडियन निकाला। डिफरेंट टाइप की सीरीज और देख लेते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका। क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक
आपके नीचे टेबल में दिए गए हैं। इस श्रेणी की सहायता से हमें क्या निकालना है, मध्य का फाइंड आउट करना है। मध्य का हमें निकालना है। आपको सीरीज दे रखी है, प्राप्तांक दे रखे हैं हमें। प्राप्तांक 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0। तो ये गिवन आपके जो वर्गांतर दे रखे हैं हमें, ये अवरोही क्रम में दे रखे हैं। इससे पहले वाले सीरीज में अभी तक हमने सारे वर्गांतर क्या थे आपके, असेंडिंग ऑर्डर में थे, बट गिवन आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसमें फॉर्मूला हम कुछ डिफरेंट टाइप का यूज करेंगे। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है 7, 12, 20, 8 एंड 3। गिवन सीरीज में कंटिन्यूअस है, बट ये हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें वर्गांतर दे रखे हैं। तो इसे हम कैसे, अगर हमें गिवन सीरीज और वर्गांतर जो आपकी है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे होंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो भी हमें वर्गांतर दे रखे हैं सारे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में थे, बट इस सीरीज में हमें क्या दे रखी है, वर्गांतर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। तो अगर हमें वर्गांतर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। टेबल में वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, इट मीन्स वर्गांतर आपका 50 से 40 के बीच में, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 के बीच में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या दे रखे हैं, वर्गांतर दे रखे हैं। विद्यार्थियों की संख्या आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 7, 12, 20, 8, 3 हमें ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं 7, 19, 39, 47, लास्ट में आपका 50। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज होगी। एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। सम कर लेते हैं, एन इक्वल टू हमें 50। आपके विद्यार्थी हमें क्या दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं, तो हमें एन की वैल्यू 50 मिल जाएगी। तो यहाँ से हम फिर फॉर्मूले में यूज करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एम इक्वल टू साइज ऑफ एन अपॉन टू, ए पद का आकार आपका साइज हो जाएगा, साइज आपका ऑफ 50 अपॉन टू, ए क्लास का आपका साइज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइज ऑफ 25 क्लास का हमें क्या हो जाएगा, साइज मिल जाएगा एम की वैल्यू। तो 25 आपका कहाँ पर आ रहा है, 39 वाले में आएगा, 39 आपका, 29, 39 में आपका नहीं तो होगा, तो इसमें आपका वर्गांतर आपका, तो हमारा साइज आया 25 वाला, 25 आपका 39 में इंक्लूड होगा, तो 39 वाले सामने वाला आपका फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी, ये आपका एफ हो जाएगा, वर्गांतर आपका 30 से 20 के बीच में हो जाएगा, और 19 आपका सी हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू आई है 25। 25 कहाँ पर आपका आएगा, आपका 39 में आएगा 29, तो उसके सामने वाला वर्गांतर आपका 30 से 20 के बीच में है, और फ्रिक्वेंसी 20 हो जाएगी, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इट मीन सी आपका 19 हो जाएगा। उस वर्गांतर के पूर्व वाला जो आपका संचयी आवृत्ति होती है वो आपका सी हो जाएगा। सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा एम इक्वल टू एल टू प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अगर हमें गिवन सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो हमारा एल वन की जगह पे एल टू होगा, क्योंकि आपका अपर लिमिट आपका अगर बड़ा, लोअर लिमिट अगर हमारा बड़ा हो जाएगा तो ये एल टू हो जाएगी। तो एल टू की वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, 30 यूज करेंगे, एल वन की जगह पे एल टू होगा। अगर हमारा वर्गांतर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा होगा तो वर्गांतर का पहला टर्म आपका एल टू हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एल टू की जगह पर हमारा 30 हो जाएगा, एन अपॉन टू की जगह पर हमारा 25 है, और सी हमारा 19 है, फ्रिक्वेंसी एफ हमारी 20 हो जाएगी, और वर्गांतर हमारा आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं,
30 माइनस 25 माइनस 19 अपॉन 20 इंटू 10 इक्वल टू 30 माइनस 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30 माइनस 3, तो इट मीन्स m इक्वल टू हमें 27 मिल गया। तो हमारी मीडियन हमारी 27 मिली। तो हमने गिवन सीरीज कंटिन्यूअस थी बट वो हमारी क्या थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में थी। गिवन सीरीज हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, फॉर्मूला आपका असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही होगा बट यहाँ पे L1 की जगह पे L2 होगा क्योंकि इसमें उच्चतम सीमा वर्ग के क्या है पहले था, निम्नतम सीमा क्या आती है बाद में आती है। तो यहाँ पे हम L1 की जगह सिर्फ L2 यूज करेंगे, बाकी आपका सेम वही जिससे हम आरोही वाली सीरीज सॉल्व करते थे वैसे ही हमने अवरोही सीरीज भी आज हमने पढ़ी। तो आज हमने दो टाइप की सीरीज पढ़ी, फर्स्ट हमें अगर समावेशी सीरीज देखी होगी तो उसे हम पहले अपोजिट श्रेणी में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम मीडियन निकालेंगे। नेक्स्ट था हमारा गिवन सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में न होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में थी। तो हमने वहाँ पे जब हमारा उच्चतम सीमा वर्ग से पहले था, निम्नतम सीमा अगर बाद में आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने देखा। यहाँ पर सिर्फ L2 की जगह L1 की जगह पर L2 हम यूज करेंगे। तो दोस्तों आज हमने दो सीरीज देखी मीटर निकाल लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।